नमस्कार, विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। युद्ध से निपटने के लिए सरकार ने किए आपात समझौते। आतंकवाद लक्षित हमला और सीमा पर तनाव के चलते भारत ने युद्ध जैसी किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए के आपात समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। सरकार की ओर से पिछले 3 महीनों में युद्ध सामग्री से जुड़े 20,000 करोड़ के आपात समझौते किए गए हैं। इसमें सेना को हर वक्त तैयार रहने के मकसद से उसे दिए जाने वाले गोला बारूद से लेकर अन्य युद्ध सामग्रियों की आपूर्ति शामिल है। इसके जरिए सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि परोक्ष या अपरोक्ष रूप से थोपे गए युद्ध के लिए सेना के पास किसी भी साजो सामान की कोई कमी न रहे। साथ ही कम से कम समय में सेना की इन्फेंट्री, वारशिप और टैंक युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इस खरीदारी से 13 लाख की संख्या बल वाली भारतीय सेना को रॉकेट, मिसाइल, टैंक के लिए गोला बारूद मिलेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की ओर से जम्मू कश्मीर में पिछले साल सितंबर में हुए उड़ी आतंकी हमले के बाद सरकार ने रूस, इसराइल और फ्रांस के साथ ये रक्षा करार किए हैं। सरकार की ओर से तीनों सेना प्रमुखों की अध्यक्षता वाली समितियों का भी गठन किया गया है, जिसे आपात स्थिति में विशेष वित्तीय अधिकार दिए हैं। इस बार के बजट में सेना के लिए अलग से कोई फंड की बात भले ही न हो, लेकिन करीब 86,000 करोड़ रुपए से सेना अपनी जरूरतों को पूरा कर रही है। रक्षा करार में वायुसेना की ओर से 9,200 करोड़ के 43 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। थल सेना ने भी रूस की कंपनियों के साथ 10 समझौते किए हैं। इन रक्षा साजो सामान की खरीद के बाद भारतीय सेना किसी भी आतंकी हमले से निपटने को और मजबूती से तैयार होगी। भारत और रूस के बीच हुए करार के तहत सेना T-20 टैंक और T-72 टैंक के लिए गोला बारूद खरीदेगी। कई सालों से सेना को इन रक्षा उपकरणों की जरूरत थी और करार न होने की वजह से गोला बारूद नहीं खरीदा जा रहा था। अब सामान की खरीदारी के बाद सेना को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू क्षेत्र के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अग्रिम सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सीमा पार से सोमवार सुबह लगभग 9:45 बजे सांबा सेक्टर में गोलीबारी की गई। पाकिस्तानी रेंजरों ने 51 मिलीमीटर मोर्टार दागे और छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेना ने भी पाक गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। बौखलाए ट्रंप ने कहा, अमेरिका में किसी भी घटना के लिए जज जिम्मेदार होगा। संसद भवन परिसर में लावारिस बैग मिलने से मची सनसनी। कराची स्थित वाणिज्य दूतावास में अफगान राजनयिक की गोली मारकर हत्या। NDMC ने दिल्ली के डलहौजी रोड का नाम बदलकर रखा दारा शिकोह रोड। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में सड़क हादसे में 2 बच्चों सहित 5 बारातियों की मौत। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।